मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। शिवराज सिंह चौहान पूरा दमखम लगाए हुए हैं विधानसभा जीतने के लिए, लेकिन यहां पर देखिए कुल 29 सीटें मध्य प्रदेश की और आज होते हैं चुनाव, तो मध्य प्रदेश का मूड कहता है एनडीए को मिलेंगी 23 सीटें, 6 सीटें यूपीए को, यानी कि यूपीए को नुकसान फायदा नहीं, लेकिन एनडीए को 2014 की तुलना में देखा जाए थोड़ा नुकसान जरूर हो रहा है, लेकिन उस तरह का नहीं जैसा कि अक्सर खबरें वहां से बनती बिगड़ती हुई हमारे सामने आती है। नेहा, तो ये बड़ी तस्वीर मध्य प्रदेश की ये कहती है कि अगर आज होते हैं वहां पर चुनाव तो कुल 29 में से 23 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। नेहा, तो बड़ी खबर आप तक चित्रा पहुंचाती हुई, भले ही विधानसभा चुनाव का शोर और तैयारी वहां पर हो रही है, लेकिन अगर आज की तारीख में लोकसभा चुनाव हो जाए तो मध्य प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि मोदी लहर बरकरार है। मैं सही हूं या गलत, राजकिशोर जी? जी बिल्कुल, प्रदेश में निश्चित तौर पर जब 15 सालों से सरकार है बीजेपी की तो उसके खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है, कुछ मुद्दे भी हैं, लेकिन जहां तक नरेंद्र मोदी की बात आती तो वहां पर अभी मोदी का कोई विकल्प नहीं है और ये अभी आगे और ज्यादा साबित होगा। जी हमारे साथ यहां पर मध्य प्रदेश एक्सपर्ट जगदीप कार्निक जी मौजूद हैं, ये जो सर्वे के नतीजे हैं ये क्या कह रहे हैं, ब्रांड मोदी इंटैक्ट है क्या? नेहा, ब्रांड मोदी से भी बड़ी बात यह है कि वहां पर कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस मजबूती से मध्य प्रदेश में खड़ी नहीं कर पाई है, खुद को जनाधार उतना मजबूत नहीं है, संगठन ने काम नहीं किया है, केवल 3 चेहरे हैं दिग्विजय, सिंधिया और कमलनाथ, और इन तीनों के बीच में भी आपसी जो रस्साकशी है उसमें कांग्रेस अपनी जमीन तैयार नहीं कर पाई, तो उसी का प्रभाव विधानसभा में भी देखने को मिलता है। और जो आप आंकड़े दिखा रहे हैं, अगर ये स्थिति नहीं बदली है तब तक कोई बड़ा मुद्दा सामने नहीं आता है, तो निश्चित ही यही तस्वीर हमको लोकसभा में भी देखने को मिलेगी। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।